चार नंबर ईटा है पटौकन वाला, तो ईटा को ऐसे खरंजा बैठ रहा है। इनके द्वारा ये खरंजा बनवाया गया है? मुखिया द्वारा बना है कि किसके द्वारा बना है? तो डुप्लीकेट ईटा है। डुप्लीकेट है? हाँ। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? अच्छा से खरंजा दीजिए, अच्छा से रोड बनवाइए, तब ना पब्लिक लोग अच्छा से चलेगा। है अरे गांव के लोग है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग के मारने दौड़ता है, पीटने दौड़ता है, तो क्या बनेगा? ईटा तो लगा है ये। हाँ। क्या नंबर ईटा है? वो नंबर ईटा है तो वो ईटा है थोड़ी। हाँ, दो नंबर तीन नंबर ईटा लगा दिया। ईटा हो गया। सीओ साहब, मुखिया जी को, रोजगार सेवक को, ग्राम सेवक को, सबको कहा कि ये टोटल ईंटा को हटा करके एक नंबर ईंटा लगाइए, तब तब काम काम होगा ना, तो काम होगा। इस रोड में खरंजा नियमर था पहले, आती था नियमर, वो खरंजा वहां तक बैठा था समाप्त, खरंजा बैठ गया था, ये उसका साथ करके खरंजा पूरा वहां से वहां तक खरवा दिया, सब ईटा ढोक के ले गया। देखिए ये रोड रुक गया हमारे सबके गली। अभी जो ईटा लग रहा है तो अभी तो चार नंबर ईटा है पटौकन वाला, तो ईटा को ऐसे खरंजा बैठ रहा है। इनके द्वारा ये खरंजा बनवाया गया है? मुखिया द्वारा बना है कि किसके द्वारा बना है? सिस्टम में बना था, आप लोगों के द्वारा विरोध किया गया है? विरोध तो सब किया है, सरपंच भी दिया है, अथी इसका से नहीं होगा सब रोक। हमारा तो फुलिया देवी नाम है। फुलिया देवी? हाँ। वार्ड है ये? नौ वार्ड है। आई के वार्ड में घर है? ना, हमारा नैहर भेल, तो ये देखियो तो ये रास्ता देखियो, हमारा खौरा फसल ससुरार भेल। अच्छा। हाँ, तो नैहरे में हम रहै छी। अच्छा, देखिये रोड देखियो ना, जाए के जगह ने वो गाड़ी घोड़े आवे के, वो साइकिलो नहीं आवे के रास्ता है, आप बनने न दे छी यहाँ से वहाँ रोड। बड़ बीमार पड़ते हैं तो मरीज को केना ले जाते, कैसे ले जाते हैं बताइए? एम्बुलेंस आता है यहाँ तक? ना ना ना, उधरे से यहाँ नहीं आता है, खटिया वगैरह पे उठा के। हाँ, वहाँ उठा के ले जाते हैं, खटिया उठिया पर, यहाँ कोई जरूरी नहीं। मुखिया वगैरह? हाँ, बोलता है, समझवा ही नहीं करता। ईटा जो लगाया है तो रोड बन रहा है ना? रोड बन रहा है, लेकर कोई सुनवाई नहीं है। रोड ठीक नहीं है ना? अगर कोई सुनवाई नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा? अब नहीं बनेगा तो उसमें मुखिया जानेगा, गांव के लोग जानेगा। अभी तो गांव के लोग हैं? है, अरे गांव के लोग हैं तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग के मारने दौड़ता है, पीटने दौड़ता है, तो क्या बनेगा? ईटा जो लगा है ये? हाँ। क्या नंबर ईटा है? वो नंबर ईटा है तो ईटा है थोड़ी। हाँ, दो नंबर तीन नंबर ईटा लगा दिया है, क्या करें? ठीक नहीं है? नहीं ठीक है। क्या आप कहना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से कहते हैं सर, आप अच्छा से बनाइए, कुम बढ़िया से बनाइए, सही चाहते हैं हम लोग। रविंदर महतो, कौन वार्ड है ये? नौ नंबर वार्ड है। ये जो सर खरंजा लग रहा है, वो ठीक है? ठीक नहीं है, तो दो तीन नंबर ईटा है, तो क्या ठीक रहेगा? ये कौन सा पंचायत है? ये नौ नंबर पंचायत, बिरार पंचायत। तो आप लोग इसका विरोध नहीं किए हैं? विरोध हम लोग नहीं किया है, लेकिन ये सर भैया जो सरपंच साहब से ये लिख के फोटो करके ले गया। क्या मांग करते हैं आप यहाँ? अब मांग करते हैं रोड का, मांग करते हैं अब बढ़िया ईटा से, बढ़िया ईटा से बने जी। क्या नाम है आपका? रामकली देवी। क्या नंबर वार्ड है? नौ नंबर पंचायत, बिरार। क्या है मामला, क्या है यहाँ पे? गड़बड़ी है कि नहीं बनने देता है रोड सब, और नहीं बनाते है अच्छा। अभी तो यहाँ पे ईट जो लगा हुआ है, खरंजा जो लगाया जा रहा है, ये क्या नंबर ईटा है? ये तो डुप्लीकेट ईटा है। डुप्लीकेट है? हाँ। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? अच्छा से खरंजा दीजिए, अच्छा से रोड बनवाइए, तब ना पब्लिक लोग अच्छा से चलेगा। मोहम्मद इजहारुल हक। आप सरपंच है इस पंचायत के? नहीं, सरपंच के पति है। अच्छा, सरपंच प्रतिनिधि है। तो ये कौन सा पंचायत है? ये बिरार पंचायत है, वार्ड नंबर 9 है जी। क्या मामला? इसमें मामला ये है कि मुखिया जी जो है इसमें एक छेटी मट्टी भी नीचे नहीं रखे, और तीन नंबर ईंटा से एक पूरा खरंजा कर दिए। आम पब्लिक यहाँ के कुछ लोग हमारे यहाँ गए कि देखिए तीन नंबर ईंटा से खरंजा कर दिए हैं,
हम BDO साहब को, रोजगार सेवक को, कर्मचारी साहब, रोजगार सेवक को, ग्राम सेवक को, सब लोगों को बुलाए, इनका इंक्वायरी हुआ। CEO साहब को हम कहे कि सर देखिए ठीक है, अगर मट्टी का इस्टीमेट नहीं है तो इसमें कुछ छोटी मट्टी नहीं रखा गया, इस बात को हम मान लेते हैं, मगर 3 नंबर ईंटा से खरंजा किया गया है। तो जब इस ईंटा को जो हम उसे उखाड़े तो CEO साहब के सामने 3 खुंडी ईंटा हो गया। CEO साहब मुखिया जी को, रोजगार सेवक को, ग्राम सेवक को, सबको कहा कि ये टोटल ईंटा को हटा करके 1 नंबर ईंटा लगाइए, तब काम होगा, ना तो काम नहीं होगा। मगर ये 1.5 महीना के लगभग हो गया, मगर आज तक ये ईंटा इसी तरीके से पड़ा हुआ है और इसमें एक भी ईंटा अच्छा नहीं है, सब ईंटा 3 नंबर है। जो यो के जानवर जाता है या आदमी जाता है, जाने से ईंटा फूट जाता है। तो इसलिए हमारा गुजारिश है, मांग है कि ये टोटल ईंटा को हटा करके 1 नंबर ईंटा लगाया जाए और रोड को बढ़िया से बनाया जाए। आप भी तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो भी हुआ होगा मिली भगत से हुआ होगा ना? नहीं, इसका हमारे पास कोई जानकारी नहीं। अभी जो है इसी तरीके का अभी 7 नंबर वार्ड में खरंजा किए हैं हम, ग्राम सेवक, रोजगार सेवक, BDO साहब सबको कंप्लेन किए हैं, मगर करीब 15 दिन हो गया कंप्लेन किए हुए, मगर अभी तक इसका कोई इंक्वायरी नहीं हुआ है। इनका भी 1.5 महीना हो गया कहे हुए, रोजगार सेवक को, CEO साहब को, सबको कहे, मगर इसका भी कोई इंक्वायरी फिर दोबारा नहीं हुआ। अलीमन टोला पर भी इसी तरीके का काम किए हैं, तो रोजगार सेवक से हमारा बात हुआ, तो रोजगार सेवक आए वहाँ देखे, हमको आके कहते कि ऐसा करते हैं इसमें जो जो ईंटा दब लगा हुआ है सबको हटा देते हैं। हम कहे कि सर इसमें जो टोटल ईंटा 3 नंबर लगा हुआ है, इसलिए टोटल को देखा जाए। तो वो कह रहे कि ऐसा करते हैं हम इसका इस्टीमेट काट देंगे। हमको इस्टीमेट सर काटने से नहीं होगा, सर इसमें ईंटा दब ईंटा है, ये कई रोज चलेगा सर, ये तो 1 महीना भी नहीं चल पाएगा। इसलिए अगर 1 नंबर ईंटा का इस्टीमेट है या काम करना है तो ज्यादा से ज्यादा मीठा पग लगा दीजिए, मगर ऐसा 3 नंबर नहीं लगाइए जिसके आदमी जाने से, माल को जाने आने से भूसनी हो जाए। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इस आवाज को आगे तक पहुंचाइए और बिरार पंचायत में सही काम हो सके। इस खबर के प्रायोजक हैं SK इंटरप्राइजेज। अब घर बनाना हुआ और भी आसान, एक ही छत के नीचे मिल रहा है सारा सामान, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, मार्बल, पेंट, प्लम्बरिंग एवं हार्डवेयर संबंधी सारा सामान उचित मूल्य पे प्राप्त करें। नागेश्वर स्थान रोड, पुपरी बाजार, प्रोप्राइटर शौकत खान, सिराज खान, एक बार अवश्य पधारें।